गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था न्यूटन का गतिज्ञ तृतीय नियम और वेगी सापेक्ष संरक्षण का सिद्धांत या नियम। आज इसी क्रम में हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे कि किसी वर्ग यानी लेफ्ट में स्थित वस्तु या व्यक्ति का आभासी भाग क्या होता है, अर्थात कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए चित्र में ये बनाया गया है, ये एक लिफ्ट है। देखिए यहाँ पर लिफ्ट में ये स्प्रिंग घुमा लगा हुआ है, इस पर कोई व्यक्ति खड़ा है तो व्यक्ति का वास्तविक भार इसके नीचे की ओर एम जी का गिरेगा और इसका प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर। और ये लिफ्ट मान लीजिए एक समान वेग से चलती है तो ध्यान दीजिए आप यहाँ पर हम कंडीशन लेते हैं कि जब लिफ्ट हमारी स्थिर अवस्था में है उस समय व्यक्ति का आभासी भार क्या होगा। तो देखिए पहली कंडीशन है जब लिफ्ट स्थिर अवस्था में हो व्यक्ति का आभासी भार। देखिए क्या बनेगा, ये एफ इक्वल एम जी माइनस। क्योंकि लिफ्ट स्थिर अवस्था में है इसलिए इसका त्वरण a इक्वल जीरो होगा। जब त्वरण a जीरो है तो इसमें लगा बल भी आपका जीरो होगा। अब इस रूप में f के स्थान पर जब जीरो रखेंगे ये इक्वल m g माइनस r, इसलिए r इक्वल क्या बन जाएगा हमारा m g। अब देखिए यहाँ से स्पष्ट है कि अगर लिफ्ट स्थिर अवस्था में है स्थित व्यक्ति या वस्तु का आभासी भार उसके वास्तविक भार एम जी के बराबर होता है। ध्यान से देखने दोबारा एक बार बोलना कि जिस समय लिफ्ट हमारी स्थिर अवस्था में होगी उस समय वस्तु का वेग ऊपर में तो रखने जीरो होगा, जब जीरो है तो इसका मान भी जीरो हो जाएगा। आता जब इस रूप में देखें एफ इक्वल जीरो रहता है ये हो जाएगा एम जी माइनस आर। अब ये आर को पक्षांतर कर लेते हैं, ये आर इक्वल एम जी हुआ अर्थात वस्तु का आभासी भार उसके वास्तविक भार के बराबर होता है। अब दूसरी कंडीशन आती है हमारी जैकेट एक समान वेग से गतिमान लगा। अब यहाँ पर चूंकि
धारणा ही नीचे से एक त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है, इसलिए लेकिन यहाँ पर आपका त्वरण ये रहेगा ही। इसलिए लेकिन न्यूटन के गति नियम से और न्यूटन का गति नियम है एफ इक्वल एम ए। अब एम की जगह पर आप पर मान रखेंगे तो देखिए ये बन जाएगा एम ए इक्वल एम जी माइनस। आप देखिए क्या करते हैं, इसको इधर पर छात्र करने इसको उधर सर, यहाँ पर ऊपर की ओर जा रहा है, इसलिए आप पहले होगा एम जी बात के होगा ये हो जाएगा देखिए आर माइनस एम जी। अब क्या करें इसको पक्षांतर करिए आप, ये बन जाएगा हमारा आर इक्वल एम ए प्लस एम जी, ये हो जाएगा आर इक्वल एम इंटू ए प्लस जी। अब यहाँ पर देखिए इससे स्पष्ट है कि जब मैं प्रणाली एक और से ऊपर की ओर गतिमान होगी उस अवस्था में व्यक्ति का आभासी भार अपने वास्तविक भार से कुछ अधिक प्रतीत होगा। दोबारा ध्यान से पूछिए एक बार, जब व्यक्ति एक त्वरण से ऊपर की ओर गतिमान होगी तो उस अवस्था में लेकर प्रणाली पर हमारा एफ इक्वल कितना बनेगा आर माइनस एम जी, यानी आपकी वैल्यू एम जी से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हमने क्या किया आर माइनस एम जी लिया। और देखिए गति के यानी न्यूटन के गतिशक गति नियम से एफ की वैल्यू कितनी होती है एम ए, तो एफ के स्थान पर एम ए रख दिया गया। आप क्या करते हैं एस एम जी को पक्षांतर करेंगे तो आर इक्वल क्या बनेगा हमारा एम ए प्लस एम जी, एम कॉमन ले लिया गया यहाँ बनाया आपका एम प्लस जी, ये आभासी बात आपका। देखिए इस अवस्था में स्पष्ट है कि वस्तु या व्यक्ति का आभासी भार जो होगा उसके वास्तविक भार से कुछ ज़्यादा प्रतीत होगा। अब अगली कंडीशन की ओर बढ़ते हुए, चार व्यक्ति एक त्वरण से नीचे की ओर, यहाँ पर सिर्फ कर दीजिए नीचे की ओर गतिमान होगी, तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा हमारा, तो यहाँ पर होगा नीचे की ओर हो जाएगा तो एम जी का मान जो है आर की वैल्यू से अधिक होगा, तो यहाँ पर एम जी माइनस आर। चूंकि न्यूटन के गतिशक गति नियम से एफ इक्वल क्या होगा हमारा एम ए, अब एफ की जगह पर मान रख देंगे तो ये बन जाएगा हमारा एम ए ये इक्वल एम जी माइनस आर। आप इसको पक्षांतर कर लीजिएगा और ये आप ले चलिए ये बन जाएगा हमारा आर इक्वल एम जी माइनस एम ए, एम कॉमन ले लेंगे यहाँ से जी माइनस ए ये आर। देखिए जिस समय लिफ्ट हमारी एक त्वरण से नीचे की ओर गतिमान होगी उस अवस्था में व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कुछ कम प्रतीत होगा। अब इसके बाद देखिए इसकी जो कंडीशन आती है दशाएं, अब उनके विषय में देखिए ध्यान देते हैं, तो आप कंडीशन की तरफ पढ़ते हैं। पहली कंडीशन में जब लिफ्ट मुक्त रूप से नीचे की ओर गिर रही हो, जब लिफ्ट मुक्त रूप से नीचे की ओर गिर रही हो उस अवस्था में क्या होता है, जब लिफ्ट मुक्त रूप से नीचे की ओर तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा ये एम जी माइनस आर इक्वल एम जी, ये तो हो गया प्रणाली पर और ये हो गया हमारा गुरुत्व पर। आप देखिए ध्यान से
इसको हम पछांदा करते हैं और ये पी हो जाएगा आर इक्वल एम जी माइनस एम जी, तो आर इक्वल कितना हो गया जीरो। अब आप देखिए इससे स्पष्ट है, यहाँ पर ये स्पष्ट हो रहा है कि जब हमारी लेवल मुक्त रूप से नीचे की ओर गिर रही होगी उस समय उस पर स्थित वस्तु या व्यक्ति का आभासी भार शून्य होगा, अर्थात वह व्यक्ति आरहीनता का अनुभव करेगा। इसके बाद अगले कंडीशन है जब में रुद्धीकरण जी से अधिक परिमाण ए से गिरती है, से नीचे की ओर गिरती और गिरती है। देखिए हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, जब लिखते देखिए वृत्तीकरण से भी अधिक त्वरण ए से नीचे की ओर गिरती है उस समय देखिए क्या कंडीशन होती है, हमारी परिमाण एफ इक्वल क्या हो जाएगा एम जी माइनस। आज चूंकि न्यूटन के कंडीशन थ्री नियम से एफ इक्वल एम ए, हाँ बच्चे ये हो जाएगा एम ए इक्वल एम जी माइनस। इसको ये मछान दिया हमने और ये हो जाएगा आर इक्वल एम जी माइनस एम ए, आर इक्वल एम इंटू जी माइनस ए। अब चूंकि देखिए यहाँ ए जो है वृद्धि कर्म से अधिक है, अब यदि सूत्र में देखिए फॉर्मूले पर जी का मान कम है ए का मान अधिक है तो ये पूरा मान आपका निगेटिव आएगा अर्थात आर इक्वल माइनस। इस अवस्था में क्या होगा कि जब लिफ्ट वृद्धीकरण जी से भी अधिक त्वरण ए से नीचे की ओर गिरती है उस समय व्यक्ति का आभासी भार निगेटिव हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है, अर्थात इस अवस्था में व्यक्ति लिफ्ट के फर्स्ट को छोड़कर ऊपर है, यानी व्यक्ति उस समय लिफ्ट के फर्स्ट में यानी इस स्प्रिंग क्लास से ऊपर उठ जाएगा। इस प्रकार हमने जाना कि लिफ्ट में स्थित व्यक्ति का आभासी भार अलग अलग स्थितियों में कैसे निकालते हैं। फिर आप इसके बाद अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।